कैसे हैं। मारुति सुजुकी ने आखिरकार अर्टिगा फेसलिफ्ट को टीज कर दिया है। निर्माता ने प्री बुकिंग शुरू कर दी है और एमपीवी की लॉन्चिंग 21 अप्रैल को होगी। सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी में बदलाव कॉस्मेटिक के साथ साथ मैकेनिकल भी होंगे। मारुति सुजुकी ने अर्टिगा के फ्रंट एंड डिजाइन को अपडेट किया है। इससे अब एक नया ग्रिल मिलता है जिसे हम और एरिना उत्पादों पर देखने की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा इच्छुक खरीदार अधिकृत एरिना डीलरशिप या मारुति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी बुकिंग पंजीकृत कर सकते हैं। जबकि दोनों एमपीवी को उनके बाहरी और इंटीरियर पर सूक्ष्म कॉस्मेटिक अपडेट प्राप्त होंगे। यह उनके हुड के नीचे है जहां बड़े बदलाव होने वाले हैं। 2022 मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट विवरण लीक। 2022 अर्टिगा को 11 वेरिएंट, 5 मैनुअल पेट्रोल, 3 ऑटोमेटिक पेट्रोल और 3 सीएनजी के विकल्प में पेश किया जाएगा। मैनुअल पेट्रोल अर्टिगा 1.5 लीटर वेरिएंट है, LXI, VXI, ZXI और ZXI जो ऑटोमेटिक अर्टिगा 2022 वेरिएंट VXI, ZXI और ZXI हैं। 2022 अर्टिगा CNG वेरिएंट VXI, ZXI और टू रैम है। 2022 मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट के साथ रंग विकल्प हैं, पल मेटेलिक आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, मैग्मा ग्रे, ऑबन रेड, प्राइम ऑक्सफोर्ड ब्लू, पल मेटेलिक डिग्निटी ब्राउन और मिडनाइट ब्लैक। दोनों मॉडलों में मानक के रूप में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की पेशकश की जाएगी, जबकि एक विकल्प के रूप में एक नया 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। 2022 के मध्य तक लॉन्च होने वाली नई जेन ब्रेजा में भी यही पावरट्रेन विकल्प देखे जाने की उम्मीद है। इस नए के 1.5 सी ड्यूल जेट इंजन ने विटारा में विदेशों में अपनी शुरुआत की, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी में इस मोटर को हाइब्रिड सेटअप देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिक मोटर पावरट्रेन में लगभग 33 घोड़े जोड़ता है। भारत में 1.5 लीटर के 1.5 सी पावर प्लांट को हाइब्रिड सेटअप प्राप्त नहीं होगा और इसके बजाय एक एकीकृत स्टार्टर जनरेटर और ऑटो स्टॉप स्टॉप सिस्टम की सुविधा होगी। ये सुविधाएं पहले से ही नई सेलेरियो और बलेनो में दी गई हैं, जो क्रमशः 1.0 लीटर और 1.2 लीटर क्षमता वाले ड्यूल जेट इंजन पर चलती हैं। अन्य अपेक्षित अपडेट, जहां तक अपडेट का सवाल है, दोनों एमपीवी में उनके बाहरी स्टाइल में सूक्ष्म संशोधन होंगे, जिसमें संशोधित फ्रंट ग्रिल और रिप्रोफाइल फ्रंट और रियर बम्पर शामिल हैं। एक्सएल 6 फेसलिफ्ट में भी नए अलॉय व्हील डिजाइन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अर्टिगा और एक्सएल 6 दोनों फेसलिफ्ट को कुछ नए बाहरी रंग विकल्प मिलने की संभावना है। दोनों अपडेटेड एमपीवी के केबिन के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव क्रम में हैं, जिसमें 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल हो सकता है। नई मारुति अर्टिगा और एक्सएल 6 के अंदरूनी हिस्से में लकड़ी के फिनिश, क्रोम एक्सेंट और चमड़े से लिपटे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के साथ एक मूर्तिकला वाले डैशबोर्ड को दिखाने की उम्मीद है।